Right, Assalamu Alaikum. Last week on Saturday, we had this workshop sprinkler hydraulic calculations. There was one topic which was left, and as promised, I am now giving you a demonstration of the software for hydraulic design calculations. It's a very basic and simple tool to do hydraulic calculations for any water-based suppression system. So let's start with it. मैंने एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को प्रोवाइड किया था, होपफुली आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा. सो वो लिंक एक्सपायर हो चुका है. अगर अभी किसी ने डाउनलोड नहीं किया है, देन दे कैन सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज एंड आई विल मेक श्योर आई विल गिव देम द फ्रेश लिंक टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर एंड यू प्लेस इट ऑन सी ड्राइव, सो उसको फोल्डर को ओपन करने के बाद यू विल हैव दिस काइंड ऑफ दिस मेनी फाइल्स इन द फोल्डर. इसमें से जो ब्लू आइकॉन है, यू नीड टू क्लिक दैट आइकॉन एंड उस आइकॉन को डबल क्लिक करने के बाद यू एंड अप विद दिस काइंड ऑफ अ स्क्रीन. इसके अंदर आपने न्यू ओपन एंड डेमो 1, 2, 3 डेमो ऑलरेडी बिल्ट नेटवर्क्स हैं. हम एक न्यू नेटवर्क बना रहे हैं और नेटवर्क की बेसिस वही रखेंगे जो हमने लास्ट एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी वर्कशॉप एंड पे. सो ये एक जॉब डेटा, जैसे आप न्यू क्रिएट करते हैं तो जॉब डेटा मांगता है. उसमें हम बहुत बेसिक डेटा जो है वो रिक्वायर्ड वो फिल कर देंगे. बाकी जितनी डिटेल आपने डालनी हो आप डाल सकते हैं. प्रोजेक्ट नेम से फॉर इंस्टेंस NFPAP डेमो और हैजर्ड क्लास हमने ऑर्डिनरी ली थी. कॉन्ट्रैक्टर और डिज़ाइनर आप इसमें कोई भी अपना नाम या जो भी डिज़ाइनर है वो अपना नाम डाल सकता है. अप्रूविंग एजेंसीज के जो इम्पोर्टेंट एरिया है चीज़ है वो है ये Q11 जिसमें है डिज़ाइन एरिया मांग रहा है आपसे मीटर स्क्वायर में. अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपके सारे यूनिट्स रहेंगे मीटर स्क्वायर में, लीटर पर मिनट में, mm पर मिनट में और बार्स में. सो हम ड्यूरिंग द वर्कशॉप सारी कैलकुलेशन GPM में, PSI में और फीट में कर रहे थे. तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा जब आप न्यू यूनिट्स लिख रहे हैं तो राइट कन्वर्जन करने के बाद यूनिट मेंशन करें. अच्छा, एरिया ऑफ ऑपरेशन हमारा हमने इनिशियली 1500 सेट किया था स्क्वायर फीट. और जब हमने अपना एरिया मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑपरेशन बिल्ड किया था तो उस एरिया की जो इंक्रीमेंट हुआ था वो अराउंड 1825 हो गया था जहाँ तक मुझे याद है. तो 1825 स्क्वायर फीट के बेसिस पर हम इस एरिया को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे. कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूँ. 1825 डिवाइडेड बाय अराउंड 169.6 स्क्वायर मीटर्स हमारा डिज़ाइन है. 169.6 मैंने यहाँ क्लिक कर दिया. उसके बाद डिज़ाइन डेंसिटी mm पर मिनट, डेंसिटी हमारी 0.15 थी जो कि थी GPM पर स्क्वायर फीट. इसको mm पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 40.746 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा 6.11. सो 6.11 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया. मैक्सिमम हेड एरिया इन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये एक एरिया ऑफ स्प्रिंकलर मांग रहा है. हमारा था 11 by 11, यानी कि 121 स्क्वायर फीट. इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 11.24 आ जाएगा. इसको 11.24 मैंने सॉरी 24 होना 24 प्लेस कर दिया. के फैक्टर यहाँ पर जो है वो लीटर्स पर मिनट पर रूट बार में है, तो जो कि 5.6 का इक्वलेंट 80 ही बनता है. हमने इनिशियली अपनी डिस्कशन में 5.6 के लिए डिस्कस किया था जिसका इक्वलेंट इस यूनिट के अंदर 80 है. ये हमने जब डायमेंशन डालनी, नाउ वील क्लोज इट एंड स्टार्ट बिल्डिंग आर नेटवर्क. जब नेटवर्क आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की दो पाइप्स ऑलरेडी बिल्ड होती हैं जो कि आप एडिट कर सकते हैं. सो इनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है. एक यहाँ पर आप देखें पैनल पे कुछ टैब्स हैं, ऐड, ब्रेक, कैलकुलेट, मूव, रिवाइज, ट्रांसफ़र, अंडू, डिलीट, एडिट, नोजल एंड JPG. मूव का हम यूज़ करेंगे इसमें क्योंकि इसका जो ओरिजिन है ना वो हम ड्यूरिंग मतलब आफ्टर स्टार्टिंग द नेटवर्क हम चेंज नहीं कर सकते. तो जब आप इनिशियली ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं तो आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ से आपकी मैक्सिमम ड्राइंग क्लियरली आप बना सकें और एरिया आपको मज़ीद ना चाहिए बिकॉज़ यू कैन नॉट एक्सटेंड दिस होल एरिया टू फर्दर एरियाज़. अच्छा, ये ड्राइंग स्केल्ड नहीं होती, सो इनकी जो लेंथ हम लाइन्स की खींचेंगे ये कोई मीनिंगफुल नहीं होंगी. राइट, ओके. अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं. इस ब्रांच में मैंने एक बनाई है मेन, फिर मैंने बनाया है राइजर. अब मैं इसको ब्रांच मेन को ले गया हूँ.
क्रॉस मेन को, और क्रॉस मेन से मैंने अपनी फाइव ब्रांचेस निकाली हैं हमारे पास, जिस तरह फाइव ब्रांचेस का ही हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी। अच्छा, नोड से हमेशा पाइप एक्सटेंड होती है, क्योंकि अब इन पाइप लेंथ में कोई नोड नहीं है तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रेक का टैब सेलेक्ट करेंगे, पाइप के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें इसमें एक नोड एडिशनल बन गई। इसी तरीके से मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक यहाँ नोड बन गई, यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो एक नोड बन गई। मेरे पास टोटल एक नोड तो ऑलरेडी थी, दो तीन चार नोड आ गई हैं, एक और चाहिए। सो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। नोट ब्रेक करने के बाद जस्ट एक विजुअल एस्थेटिक्स के लिए, जो कि ये देखें ऑटो कैट की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये डिज़ाइन सिमुलेशन है, राइट। सो ये स्केल ड्राइंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर इसे आप थोड़ा बेहतर अपेयरेंस देना चाह रहे हैं तो आप इसे आगे पीछे करके थोड़ा अलाइन कर सकते हैं मूव का ऑप्शन यूज़ करके, राइट। अब हम इसमें दोबारा से ऐड करेंगे और ब्रांचेस यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, ये लेंथ बड़ी छोटी होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जो स्पेसिफाई करेंगे कैलकुलेशन वही कंसिडर करेगी। सो अब हम डायमेंशंस और लेंथ स्पेसिफाई करना शुरू करते हैं। एडिट यहाँ का टैब यूज़ करेंगे, इस पाइप पे आप डबल क्लिक कीजिए, इसको सबसे पहले बताइए कितना एमएम है पाइप। ये 4 इंच है, शेड्यूल 40 है, कोफिशिएंट ऑफ रफनेस ये है, इसकी लेंथ 10 फीट थी, अराउंड 3 मीटर बनती है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल पाइप, और इसमें फिटिंग्स कितनी लगी हुई हैं आप फिटिंग सेलेक्ट कर लेंगे। हम अज्यूम करते हैं इसके अंदर बैक एंड पे अभी कोई फिटिंग नहीं अज्यूम नहीं करते, ये सिर्फ एल्बो अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 एल्बो क्लिक कर दिया, राइट। और एक गेट वेल्व मैंने इसमें ऐड कर दिया, इस लाइन में 1 गेट वेल्व, राइट। अब एडिट का टैब कंटिन्यू करेंगे दूसरी पाइप लेंथ के ऊपर। एडिट से हमने दूसरी पाइप लेंथ पे आए, इसको भी हमने 4 इंच का कर दिया, वही शेड्यूल रखा, वही कोफिशिएंट ऑफ रफनेस रखा। ये 15 फीट हाइट थी फॉर इंस्टेंस, तो इसकी कन्वर्जन के बाद जो मीटर में आएगा 4.57 मीटर आ गई लेंथ। और ये वर्टिकल है तो इसको हमने अप कर दिया, और इसमें हमने एक और एल्बो ऐड कर दी जो कि आगे बेंड कर रही होगी लाइन को। और इसमें हमने एक अलार्म चेक वेल्व ऐड कर दी जो कि राइजर पर लगा होता है नॉर्मली, राइट। अच्छा, यूँ हमने इसको कर दिया है और हमने इसे ओके कर दिया है। नाउ आप दोबारा से एडिट करते हैं, सॉरी दोबारा एडिट करते हैं इस पाइप को। इस पाइप की क्योंकि हमने ब्रांचेस की और स्प्रिंकलर्स के दरमियान की लेंथ को हमने 11 फीट कंसिडर किया था, तो ये वाली जो डायमेंशन होगी ये 11 का हाफ होगी, यानी कि 5.5 फीट, जिसका इक्वलेंट मीटर बनता है कोई अराउंड 1.67 हमने मीटर दे दिया। पाइप 4 इंच का ही है और हॉरिजॉन्टली है, एंड दैट्स इट, सॉरी 100 mm, कर दिया। जब दोबारा से एडिट करेंगे बाकी पाइप्स को, इस पाइप को भी हमने 4 इंच रहने दिया, शेड्यूल 40 रहने दिया है, और इसकी डायमेंशन है कोई अराउंड 11 फीट, जिसका इक्विवेलेंट मीटर बनता है 3.354, और ये भी हॉरिजॉन्टल है। और उसके बाद हम आगे आएंगे, आगे आके हम बाकी एरिया डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटेबल है कि देखें जो इसकी डायमेंशन है, सॉरी अंडू, जो इसकी डायमेंशन हमने सेट की थी वही डायमेंशंस इसकी, इसकी और इसकी है। सो हम इसकी प्रॉपर्टी से कॉपी करेंगे, उसको कॉपी करने के लिए यूज़ करेंगे एक टैब ट्रांसफ़र का, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब ये जो डबल एरो बन गए, हम जिस जिस पे क्लिक करेंगे ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पेस्ट होती रहेंगी। सो आप चेक कर सकते हैं एडिट करके, ये भी 4 इंच का हो गया, इसकी भी डायमेंशन वही हो गई है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही हो गई हैं, राइट। लेकिन हमने ये 4 इंच का रखना है, ये 4 इंच का रखना है, ये जो है वो 3 इंच से कर देना है, तो हम इसको 80 mm कर देते हैं। और राइट, यहाँ से चेंज करते हुए आएंगे, इसको हम 80 mm कर देते हैं, इसको भी हम 80 mm कर देते हैं, और इसको भी हम 80 mm कर देते हैं, और यहाँ इसको चाहें तो हम 65 mm कर देते हैं। अभी फ़िलहाल हम एक जनरल नेटवर्क बना रहे हैं हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस मेजर चेक करने के लिए, राइट। ये हमने कर लिया, एक ब्रांच मेन को हमने सेट कर लिया, इसको सेट कर लिया और यहाँ सेट कर लिया। अब बात आती है क्रॉस मेन के बाद ब्रांच लाइंस की। तो
तो ब्रांच लाइन पे हमारे पास कोई नोड नहीं है, क्योंकि हमें इस पे एक पे 5 स्प्रिंकलर लगाने थे 11 11 फीट के डिस्टेंस पे, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 5.5 और उसके बाद 11 11 फीट के डिस्टेंस पे। तो यहाँ फिर इसी तरीके से जिस तरह हमने ब्रेक की थी लाइन, ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करेंगे और इसको में हम टोटल 5 नोड्स बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 हो गई। इसी तरीके से बाकी पाइप्स को सिमिलरली ब्रेक करेंगे। ये थोड़ा सा देर का काम होता है, लेकिन क्योंकि आपने जब नेटवर्क एनालिसिस करना है तो आपको पता होता है कि आपका मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है। जब वो आइडेंटिफाई कर लें तो सिर्फ वहीं पे लाइन पाइप ब्रेक करने की ज़रूरत होती है और नोजल्स डालने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ पूरे नेटवर्क पे आपको नोजल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जब नोड्स बन जाती हैं, हम नोजल पे क्लिक करते हैं। नोजल हमने स्पेसिफाई की हुई है कि कितने के किस के फैक्टर की लगनी है। हम इन नोड्स पे क्लिक करते रहेंगे तो ये नोड्स नोजल्स में या स्प्रिंकलर्स में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। रेड लाइन इंडिकेट कर रही होती है कि उसमें कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं है। जैसे ही आप उस पर कोई ओपन नोजल लगाते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, कुछ नोड पे एक्सेस स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो कि लगना नहीं है, तो इसको एक टॉगल करने का टैप दबा के, ये नोजल का टैप सेलेक्ट करके जब आप क्लिक करेंगे एक बार तो एक दफ़ा नोजल में कन्वर्ट हो जाती है और अगली बार वो दोबारा नोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिसको दोबारा नोड में कन्वर्ट करना है उस पर एक और बार क्लिक की दिया। हमारा नेटवर्क रेडी हो गया है। अब इस स्प्रिंकलर की जो ब्रांचेस हैं इनकी डायमेंशंस हम सही करते हैं। ये पाइप हम अज्यूम कर रहे थे आई थिंक 2 इंचज़ की या 2.5 इंच की, अभी 2 इंचज़ ज़ूम कर लेते हैं। 65 mm हॉरिजॉन्टल जा रही है और इसकी इसकी लेंथ थी 5.5 जो कि 1.67 मीटर बनती है। और यहाँ हम एक टी ऐड कर रहे हैं। राइट, अच्छा, जो इसकी डायमेंशन है वही इन फर्स्ट ब्रांच की डायमेंशन है। तो इसको हम करेंगे ट्रांसफ़र टू दिस पाइप, टू दिस पाइप, टू दिस पाइप एंड टू दिस पाइप। राइट, सिमिलरली अब हम एडिट का दोबारा टैब यूज़ करेंगे और इस इन दो स्प्रिंकलर्स के दरमियान की पाइप का वो साइज़ करेंगे। ये साइज़ है 2 इंचज़ यानी कि 50 mm, और हम इसको लेके जाएंगे 2 mm और 11 फीट। 11 फीट मीन्स 3.354, और हम इसमें एक टी ऐड करेंगे। राइट, अब ट्रांसफ़र करके इसकी डायमेंशन को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम बाकी लेंथ्स पे कर देंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। उसके बाद हमने दोबारा से एडिट किया, इस लेंथ के ऊपर आए, इस लेंथ के ऊपर आके इसकी डायमेंशन पुट की 3.354, इसका डाया लिखा जो कि हम इसको 2 ही दे रहे हैं, और इसमें अगर टी ऐड करनी है इसमें क्लिक की तो हमने वो कर दी। और इसी तरीके से इसको ट्रांसफ़र किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ और हर जगह इसको हमने पेस्ट कर दिया। राइट, सिमिलरली बाकी एरियाज़ के लिए भी यही करना है। सो एडिट क्लिक, 1.5 इंच फॉर इंस्टेंस 40 फीट 40 mm, और ये 3.354, और एक 30 में ऐड की एंड देन अगेन ट्रांसफ़र द होल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस पाइप टू एडजेसेंट पाइप्स, और लास्ट लिंक को हमने यहाँ किया 25। अभी हम रैंडम पाइप साइजिंग कर रहे हैं डेफिनेटली, तो मैं जस्ट एक हाइड्रोलिक कैलकुलेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज इस तरह की पाइप साइजिंग हम नहीं करते। एक टी हमने इस पर ऐड की और फिर ट्रांसफ़र किया इस पाइप को टू दिस 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 एंड दिस पाइप। राइट, ये हमारा चीज़ एक नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे डिज़ाइन कैलकुलेशन के ऊपर। राइट,